जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अपना जहाँ भी होंगे पढ़ाई लिखाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आपका जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये आपका बीएससी पार्ट वन का सिलेबस है। पार्ट वन देखिए दोस्त, ये जो आपका सिलेबस है बीएससी पार्ट वन का है, किसी अगर यूनिवर्सिटी में टू पार्टों में भी पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्त, इसमें जो हम पिछले क्लास में बताए थे कुछ सवाल प्रूव किए थे, तो दोस्त आज भी आपका सवाल ही है, फार्मूला प्रूविंग खत्म हो चुका है। तो सवाल है कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व टेन इनवर्स ई के पावर आई एक्स माइनस टेन इनवर्स ई के पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है टेन इनवर्स आई, इसको बोल रहा है सॉल्व करने। तो कुछ है दोस्त, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, आप 12th क्लास में इस ऐसा इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। तो देखिए दोस्त, टेन इनवर्स ई के पावर आई एक्स है माइनस टेन इनवर्स ई के पावर माइनस आई एक्स है, ये जो बराबर में दिया है दोस्त, टेन इनवर्स आई दिया है, कितना दिया है। अब देखिए ये टेन इनवर्स एक्स मान या टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि टेन इनवर्स ई के पावर आई एक्स, ए प्लस ए या ए इसको मानिए इसको बी मानिए, ए माइनस बी बाय वन प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स आई हो गया दोस्त। और ये आपको यूलर्स फॉर्म में बताए थे कि टेन इनवर्स ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर आई एक्स है, इसको लिख सकते हैं टू आई साइन एक्स बाय वन प्लस पावर, बेस समान है पावर जुटेगा तो कितना ई के पावर 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका टेन इनवर्स आई। ये हो गया टेन इनवर्स आई। अब देखिए दोस्त, ई के पावर 0 का मतलब 1, और 1 पहले से है तो टू आई साइन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टेन इनवर्स आई, इस 2 से इसको काट दिए, दोनों तरफ टेन इनवर्स है। तो अगर आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाता है, तो दोनों तरफ इनवर्स है, दोनों इनवर्स खत्म हो गया, आपका बच गया आई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू आई, इस आई को आई से काट दीजिएगा तो साइन एक्स इक्वल टू वन, वन साइन में किसका मान होता है दोस्त, तो साइन एक्स बराबर साइन, आप पढ़े होंगे कि पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री का होता है, और आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर साइन थीटा इफ अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रहे तो थीटा का मान होता है एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू अल्फा, पढ़े हैं दोस्त। अब देखिए उस फॉर्मूला पे अगर यहाँ से देखें तो ये आपका एक्स है, तो एक्स बराबर कितना होगा एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू पाई बाई टू, यही तो दोस्त इसको सॉल्व करना था, सॉल्व हो गया। अगर इसमें कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपने दिक्कत का सॉल्यूशन पाइए। तो लिखते चलिए, देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, कह रहा इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स जो है वाई से बड़ा है, तब कह रहा है कि सो डैट दिखाइए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई बाय एक्स माइनस आई वाई ये जो है बराबर है पाई बाय फोर प्लस आई इंटू वन बाई टू लॉग, ये आपका एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई, यही है दोस्त, देख लीजिए क्वेश्चन यही है, प्रूफ करना है। प्रूफ आपको क्या बताए थे दोस्त, अगर इसका एलएचएस लेके चलें या एक्स बराबर वाई ग्रेटर देन यहाँ दे दिया है। अब देखिए दोस्त, इसका सॉल्यूशन एलएचएस लेके जाना है, आरएचएस बनाना है। अब देखिए दोस्त, एलएचएस में क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन, एलएचएस जो है आपका
ये दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई बाय एक्स माइनस आई वाई, इतना है। ये देखिए तो एंगल ऊपर में है एक्स प्लस आई वाई है और नीचे एक्स माइनस आई वाई है, तो जब ऐसा फॉर्म रहता है दोस्त, तो एक्स की जगह अगर हम कोई मान लीजिए जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहता था, उसको अगर हम कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में लिखते थे, पोलर फॉर्म में आर थीटा, थीटा जो है एंगल है और ये एंगल के रूप में है, इसलिए इसको पोलर फॉर्म में पहले लेके चलते हैं, उसके बाद इसका क्या होगा देखते हैं। तो दोस्त पोलर फॉर्म में लेके जाने के लिए ये दिया हुआ है एक्स वाई कोऑर्डिनेट और आपको जाना है आर थीटा में, तो आप जानते होंगे कि यहाँ एक्स के जगह आप पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इतना पुट करते हैं। तो इसको पुट कीजिए दोस्त, तो कितना होगा लिख सकते हैं टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ये कितना हो गया आर कॉस थीटा प्लस आई साइन आई आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा। ऊपर से अगर आर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, नीचे हो गया आपका आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, होगा दोस्त आर से आर खत्म। ये हो गया कितना टेन इनवर्स, टेन इनवर्स इसको आप परिमेयकरण करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, होगा दोस्त इतना हो गया। इसको परिमेयकरण कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे पर माइनस है तो प्लस से कीजिएगा तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय, ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए दोस्त ये क्या हो गया, ऊपर में a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे अगर देखिएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b माइनस b स्क्वायर और i स्क्वायर भी होगा, i स्क्वायर का मान माइनस वन, तो नीचे कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये कितना वन हो गया। तो आप दोस्त इतना लिख सकते हैं, और जब cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में रहता था तो इसको आप यहाँ पे डिमोवर्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कीजिएगा तो tan इनवर्स ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, ये हो गया दोस्त। अब अगर हम इस cos थीटा और i sin थीटा का मान निकाल लें, तो अगर मान निकाल के उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को मान लीजिए x या y z जो मानना है आपको मान लिए, इसको मानने के बाद अब लेट कर लेते हैं जैसे ये कितना है tan इनवर्स, ये है आपका cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसको मान लें अल्फा प्लस i बीटा, ये कॉम्प्लेक्स एंगल में था एंगल तो इसको कॉम्प्लेक्स एंगल मान लिए। अब देखिए दोस्त जब इतना मान लिए तो यहाँ से अगर आप कितना ये tan का पावर कितना माइनस वन मतलब tan इनवर्स है, इसको अगर दूसरे साइड हम लेके चलते हैं तो क्या होगा, तो हो जाएगा दोस्त cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan अल्फा प्लस i बीटा, होगा दोस्त हमको मान किसका अल्फा प्लस i बीटा का निकालना है। और आपको एक बात और बताया है कि कंजुगेट क्या होता है, अगर हम इस इक्वेशन का इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इस इक्वेशन का कंजुगेट ले लें, वी टेक कंजुगेट, जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो माइनस आई साइन टू थीटा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस आई बीटा, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दोस्त अगर हम इस दोनों इक्वेशन से अल्फा और बीटा का मान निकाल के इसमें पुट कर दें तो ये इक्वेशन जो है इस पूरे का मान निकल जाएगा,
इस पूरे का मान निकल गया, और ये पूरे के जगह अगर मान रख देते हैं तो मेरा ये निकल जाएगा। तो देखिए दोस्त, इस इक्वेशन में देखिए अगर आपको क्या चाहिए, पहले अल्फा चाहिए, तो अल्फा चाहिए उसमें भी दोनों तरफ टेन है, तो हम लिख सकते हैं दोस्त वी हैव अगर हम यहाँ से लिख सकते हैं टू अल्फा लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें अल्फा प्लस अल्फा लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्त, यहाँ टू अल्फा है, अगर इस अल्फा में एक आई बीटा जोड़ दें और एक आई बीटा घटा दें तो कोई दिक्कत, जब कोई दिक्कत नहीं होता है इसको एक ब्रैकेट में लीजिए, ले लिए। अब आपका क्या दिया हुआ है, टेन के साथ अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा है। अगर हम वी टेक टेन ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों साइड टेन को टेक करते हैं तो ये हो जाएगा टेन टू अल्फा इक्वल टू, इधर आप देखिएगा तो ये हो गया टेन अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा, ये हो गया पूरा। अब देखिए दोस्त, ये टेन ए प्लस बी हो गया, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, टेन ए इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई बीटा ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इतना जानते हैं। अब देखिए दोस्त, टेन अल्फा प्लस आई बीटा का मान कितना है, इतना है, और अल्फा आई बीटा अल्फा टेन अल्फा माइनस आई बीटा का मान इतना है। दोनों का मान अगर रखते हैं, जब इस दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो साइन साइन खत्म, तो ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में आपका बच जाएगा टू कॉस टू थीटा बचेगा दोस्त, क्योंकि जब दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो ये माइनस वाला ये माइनस वाला दोनों खत्म हो गया, ऊपर में सिर्फ बचा कितना टू कॉस टू थीटा, और नीचे देखिए दोस्त, नीचे अगर ये वन हो गया माइनस, इस दोनों इक्वेशन को गुणा कीजिएगा तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का बी स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर टू थीटा का बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान माइनस वन, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा, उसका भी मान वन, और वन माइनस वन जीरो हो गया। और आप ये जानते हैं कि किसी भी संख्या में यह कितना हो गया टू कॉस टू थीटा बाय जीरो, और ये आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग दे दिया जाए, डिवाइड दे दिया जाए, तो वो संख्या इन्फिनिटिव हो जाता है। तो आपका इधर कितना था, टेन टेन टू अल्फा इक्वल टू इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव टेन में किसका मान होता है, तो टेन पाई बाई टू का, तो जानते हैं दोस्त टेन टू अल्फा इक्वल टू टेन पाई बाय टू। तो देखिए दोस्त, अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो थीटा बराबर अल्फा, तो टेन टू अल्फा इक्वल टू पाई बाय टू, तो अल्फा का मान पाई बाय फोर आ गया, हो गया दोस्त। अब देखिए, ये अल्फा का मान पाई बाय फोर आया है, आप इक्वेशन इसको माने हैं और इसको माने हैं, तो इस दोनों इस तीनों मान को रखिए बाकी बात, और लिखते जाइए, जहां नहीं आता है समझ में बोलिएगा, क्योंकि इसको मिटाना होगा दोस्त। सॉल्यूशन से आप कौन दो इक्वेशन माने, एक वो x माने हैं, इसको आप y माने हैं, मान लीजिए इसको y था। अब देखिए दोस्त, ये कितना है, tan इनवर्स x प्लस आई वाई बाय x माइनस आई वाई, इसका जो मान निकाले थे आप tan इनवर्स ये cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, और इसको आप मान लिए अल्फा प्लस आई बीटा, और अल्फा का मान पाई बाय फोर निकाले, और आई बीटा अब हमको क्या चाहिए आई बीटा, तो दोस्त ये आप अभी नहीं लिखेगा, ये नीचे लिखेगा आप, क्योंकि हम मिटा दिए थे इसीलिए लिखे हैं। अब देखिए दोस्त, अगर यहाँ से देखें तो हमको अल्फा का मान मालूम हो गया, अल्फा का मान मालूम हो गया, और आप जो इक्वेशन दो इक्वेशन माने थे फर्स्ट एंड सेकेंड से,
तो अब देखिए उसी इक्वेशन से अगर हम हम क्या अल्फा का मान निकाल चुके हैं, अब हमको क्या चाहिए बीटा का मान। अब देखिए अगर बीटा का मान निकालते हैं तो लिख सकते हैं जोड़ 2i बीटा। इस 2i बीटा को अगर आई बीटा प्लस आई बीटा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो 2i बीटा इक्वल टू एक अल्फा को जोड़ देते हैं और दूसरे अल्फा को घटा देते हैं, माइनस कर दिए तो कोई दिक्कत, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको ब्रैकेट लीजिएगा इस दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा तो अल्फा माइनस आई बीटा। अब देखिए आपका जो मान दिया था अल्फा प्लस आई बीटा का साथ में था टेन अल्फा प्लस आई बीटा और टेन अल्फा माइनस आई बीटा, इसलिए अगर हम वी टेक टेन ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड टेन को टेक करते हैं तो ये हो जाएगा टेन टू आई बीटा इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा टेन अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, ये हो गया दोस्त। नीचे हो गया वन माइनस अल्फा प्लस आई बीटा और ये हो गया इंटू वन प्लस अल्फा प्लस वन अल्फा माइनस आई बीटा। ये देखिए दोस्त ये पूरा हो गया आपका, ये जब पूरा हो गया तो अल्फा प्लस ये टेक देखिए दोस्त बोथ साइड टेक किए तो कितना आ जाएगा टेन टू आई बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। अब देखिए दोस्त ये जो हो गया टेन ए और माइनस बी, टेन ए माइनस बी का आप क्या जानते हैं फॉर्मूला टेन टू आई बीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि टेन अल्फा ए है a प्लस a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी का है तो a माइनस अल्फा माइनस आई बीटा बाय ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ वन माइनस है ऊपर में नीचे प्लस टेन अल्फा प्लस आई बीटा, ये हो जाएगा टेन अल्फा माइनस आई बीटा। अब देखिए दोस्त ये आया और इसका मान टेन अल्फा प्लस आई बीटा और माइनस टेन अल्फा माइनस आई बीटा है, तो देखिए दोस्त पिछले बार तो जोड़ दिए थे अब की यहाँ पे अगर रख दें मान तो कितना हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा, ये होगा दोस्त i था साथ में i sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, और नीचे हो गया आपका 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा इंटू कॉस टू थीटा माइनस आई साइन टू थीटा, ये हो गया दोस्त। अब देखिए यहां से ये दोनों खत्म हो गया आपका, इधर कितना है आपका टेन टू आई बीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका ऊपर में आई साइन टू थीटा आई साइन टू थीटा टू आई साइन टू थीटा, और नीचे हो गया आपका कितना ये वन और इधर को सॉल्व कीजिएगा तो ये भी वन 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 टू हो गया आपका, तो ये हो गया आपका टेन टू आई बीटा इज इक्वल टू टू आई साइन टू थीटा बाय टू, इस टू से इसको खत्म कर दिए। अब देखिए दोस्त यहाँ कितना हो गया टेन अल्फा आर टेन, यहाँ देखिए टू आई बीटा है i into 2 बीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया कितना i sin 2 थीटा हो गया दोस्त। अब देखिए यहाँ i sin 2 थीटा हो गया 2 थीटा हो गया, अगर यहाँ इस एंगल में थीटा i है इस एंगल को i से हटाइएगा एंगल से i को हटाइएगा तो इसको tan hyperbolic 2 बीटा लिख सकते हैं दोस्त इज इक्वल टू i sin
टू थीटा, इससे ये खत्म। तो यहाँ टू बीटा इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन टू थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये टेन इन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन टू थीटा है, और इसका आपको फॉर्मूला बताए थे कि वन बाय टू लॉग वन प्लस साइन टू थीटा बाय वन माइनस साइन टू थीटा। यहाँ थीटा के जगह अगर साइन टू थीटा के जगह एक्स रहता तो वन प्लस एक्स बाय वन माइनस एक्स। अब देखिए दोस्त वन प्लस साइन टू थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं वन बाय टू लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी लिखिएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो पूरे पे स्क्वायर लिख देते हैं। लॉग का पावर है और उसका भी पावर है तो पावर बाहर आ जाएगा, तो वन बाय टू इंटू टू लॉग, यहाँ देखिए दोस्त कॉस थीटा हो गया प्लस साइन थीटा, और नीचे आपका कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। इस टू से इसको काट दीजिएगा और आप यहाँ पे पुट किए थे कि एक्स बराबर आर कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो यह होगा एक्स बाय आर, और वाई बराबर पुट किए थे आर साइन थीटा पीछे पुट किए हैं, और आर का मान अगर यहाँ साइन थीटा का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका वाई बटे आर। इस दोनों को पुट कीजिए इसमें, जब इसमें पुट कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऊपर में कितना एक्स बाय आर, तो एक्स बाय आर प्लस वाई बाय आर, नीचे हो गया एक्स बाय आर माइनस वाई बाय आर। इसको अगर यहाँ देखें तो ये होगा लॉग लॉग दोनों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो आर आ, तो ऊपर में क्या हो गया एक्स प्लस वाई, और नीचे हो गया दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एक्स आर ही, तो आर से आर खत्म, तो एक्स माइनस वाई। ये किसका मान निकाले हैं दोस्त, टू बीटा का मान निकाले हैं। अगर बीटा का मान निकालें तो हाफ लॉग यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। इस इक्वेशन को मान लीजिए वी डब्ल्यू जे कोई कुछ भी मान के, देखिए दोस्त इस इक्वेशन का मान अगर यहाँ हम पुट कर दें तो वो कितना हो जाएगा, तो देखिए दोस्त जब आप इसको लिख लीजिए और नीचे पुट कीजिएगा, नीचे क्या पुट कीजिएगा तो देख लीजिए दोस्त, जैसे इतना है यह कितना हो गया पाई बाय फोर प्लस, जैसे दोस्त अगर नहीं भी लिखेगा तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर, इसको एक्स माने थे तो एक्स में पुट कर देते हैं, तो एक्स में जब पुट कीजिएगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई बाय एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू अल्फा का मान आप निकाले थे पाई बाय फोर प्लस आई, बीटा का मान निकाले हैं हाफ लॉग एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। तो देखिए दोस्त आपका प्रूफ करने के लिए क्या था पाई बाय फोर आई हाफ लॉग एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई, तो आपका प्रूफ हो गया। कहीं भी अगर दिक्कत हुआ है तो बोलिएगा, और नहीं हुआ है तो लिखते जाइए। देखिए दोस्त आपका क्वेश्चन है, फिर कह रहा है प्रूफ डेट कॉट इनवर्स दे दिया है थ्री माइनस टू आई बाय थ्री प्लस टू आई। ये जो आपको प्रूफ करना है ये पाई बाय फोर प्लस आई बाय टू लॉग फाइव, बेस में ई है, जहां भी लॉग लिखा है दोस्त अगर कहीं बेस में ई नहीं लिखा गया है तो आप बेस में ई लिख लीजिएगा, क्योंकि बेस में ई छुपा रहता है। अब देखिए दोस्त सॉल्यूशन, आप इसको दूसरे तरफ से लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स थ्री प्लस टू आई बाय थ्री माइनस टू आई इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस आई बाय टू लॉग फाइव बेस में ही, क्योंकि आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स वन बाय एक्स,
या cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x, तो उसी पे तोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, तो tan inverse 3 plus 2i by 3 minus 2i है, ये आपका क्या LHS है, LHS पार्ट। देखिए दोस्त, LHS पार्ट है, तो अगर आप यहाँ देखिए, यह कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं 3 is equal to r cos theta और 2 equal to r sin theta। जब आप इसको पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका tan inverse 3 plus 2i by 3 minus 2i is equal to, ये होगा tan inverse, ये आपका कितना हो गया r cos theta plus r i sin theta, नीचे हो गया वो 3 के जगह कितना r cos theta minus r sin theta हो गया दोस्त। अब देखिए, पूरे से अगर r कॉमन लेते हैं तो ऊपर से भी r और नीचे से भी r हो गया साफ, तो कितना बचा cos theta plus i sin theta by cos theta minus i sin theta। अब देखिए दोस्त, यहाँ i जो छूट गया है, i दे दीजिए क्योंकि i है यहाँ। अब देखिए ये कितना है, a plus b के फॉर्मेट में a minus b, परिमेयकरण जब कीजिएगा तो ये नीचे माइनस है, ऊपर में प्लस से गुना होगा, जब इसको आप परिमेयकरण करते हैं तो ये हो जाएगा cos theta plus i sin theta, नीचे हो गया cos theta minus i sin theta plus i sin theta। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, इसको मानिए a, इसको मानिए a, इसको मानिए b, a plus b, नीचे a minus b, a minus plus है दोस्त, तो ऊपर में क्या हो जाएगा a plus b का whole square, नीचे a square minus b square, तो लिख सकते हैं दोस्त log tan inverse, ये कितना हो जाएगा cos theta plus i sin theta का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और i स्क्वायर का मान कितना माइनस 1, तो ये हो गया कितना प्लस 1, और ये दोनों का मान कितना 1, और यहां आप ये cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में है, तो डिमोर्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos 2 थीटा प्लस i sin i 2 sin i sin 2 theta, ये हो गया दोस्त। इसको मान लेते हैं इक्वेशन x y z कुछ भी मानिए, और अगर हम इसको मान लें कि ये जो है अल्फा प्लस i बीटा के बराबर है, tan इनवर्स ये हो गया कितना cos 2 theta प्लस i sin 2 theta इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं x plus i y, मान लिए। अब देखिए दोस्त, ये इस इक्वेशन से अगर cos 2 theta plus i sin 2 theta को रख लें, इस tan को उधर भेज दें, तो हो जाएगा cos 2 theta plus i sin 2 theta, ये हो जाएगा आपका कितना tan x plus i y, ये इक्वेशन मान लीजिए 1। और आपको कंजुगेट के बारे में बता दिया गया है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, जब बता दिया गया है तो इसको यहां से कंजुगेट अगर लें, वी टेक कंजुगेट, जब आप टेक करते हैं कंजुगेट, तो cos 2 थीटा माइनस i sin 2 थीटा इक्वल टू tan x माइनस i y, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दोस्त, आपको मान किसका निकालना है, x का और y का, x y इस एंगल में है, तो अगर हम we have जैसे कि मान लीजिए आप यहां जो है x निकालना है हमको, दो इक्वेशन है, अगर 2x लें तो कोई दिक्कत, इस x को x plus x लिख देते हैं, तो 2x equal to x plus i y इसके साथ में, तो एक बार i y जोड़ दें और दूसरे बार इसको घटा दें, अगर दोनों को काटिएगा तो x जो है x 2x पूछ जाता है ना आपका।
अगर आप यहाँ पे वी टेक टेन ऑन बोथ साइड अगर आप टेन लगाते हैं तो टेन टू एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, टेन एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, टेन ए और ये हो गया कितना बी, और ये कि इसको हम तोड़ सकते हैं टेन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस आई वाई प्लस टेन एक्स माइनस आई वाई बाय वन माइनस टेन एक्स प्लस आई वाई इंटू टेन एक्स माइनस आई वाई। अब देखिए दोस्त, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में इसका मान और इसका मान दिया हुआ है, जब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका ऊपर में कॉस 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 हो गया टू कॉस थीटा, और नीचे वन माइनस इस दोनों इक्वेशन को गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए के जगह कॉस टू थीटा है, बी के जगह आई साइन टू थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर का मान माइनस वन तो वो भी वन हो जाएगा, और वन माइनस वन ये हो गया आपका जीरो। तो इधर कितना है दोस्त, टेन टू एक्स इक्वल टू ये कितना हो गया टू कॉस टू थीटा बाय जीरो, और किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग देते हैं, संख्या हो या अल्फाबेट नंबर हो या खुद आप ही क्यों ना हो, अगर भाग दे दीजिएगा जीरो से तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। जब इन्फिनिटिव होगा, इधर टेन है और टेन में इन्फिनिटिव का मान कितना होता है, टेन पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री का होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो लिख सकते हैं दोस्त टू एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, तो एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, एक्स का मान कितना निकालना है पाई बाय फोर। अब देखिए दोस्त, अब हमको क्या चाहिए, वाई का मान चाहिए। अब देखिए वाई का मान निकालने के लिए इसको आप लिख लीजिए, इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर या तो मान लीजिए बड़ी भी है भी मान लेते हैं, सब इक्वेशन देख लीजिएगा दोस्त और आगे लिखते जाइए। दोस्त आपका क्या x का मान निकाल लिए है, y का मान निकालना है, तो देखिए दोस्त आपका इक्वेशन में जो है i के साथ y है, i के साथ जब y है तो i जो i y 2 i y लिख सकते हैं दोस्त। अगर हम we have 2 i y का मान अगर निकालते हैं तो इसको y i y लिख सकते हैं। अगर आप इतना लिख दिए तो 2 i y इज इक्वल टू अल्फा, एक बार अल्फा नहीं एक्स प्लस आई वाई माने थे तो एक्स प्लस आई वाई, एक बार एक्स को जोड़ देते हैं और एक बार एक्स को घटा देते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर माइनस को मान लेते हैं तो ये दोनों हो जाएगा माइनस में, इतना हो गया। अब देखिए एक्स प्लस आई वाई का मान जो है अब टेन के फॉर्मेट में है, तो यहाँ टेन होगा तब ना उसका मान रखेगा। तो देखिए दोस्त, अगर हम we take 10 on both side जब 10 लेते हैं तो आपका हो जाएगा 10 2 i y equal to 10 x plus i y minus x minus i y। अब देखिए दोस्त, ये 10 a है minus b हो गया, अब 10 a minus b हो गया तो यहाँ पे आप फॉर्मूला जानते हैं कि टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी बाय वन माइनस वन प्लस टेन ए प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए दोस्त, जब वो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को अगर सबट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2i sin 2 थीटा, और नीचे आएगा आपका 1 प्लस, और ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका मान 1 आएगा, तो 1 2 हो गया, ये हो गया 2i sin 2 थीटा बाय 2, इस 2 से इसको काट दीजिएगा, इधर आपका है
टेन टू आई वाई, है ना दोस्त। अब देखिए टू आई वाई है, यहां से टू आई वाई है। अब देखिए दोस्त, अगर हम यहां से इस आई को बाहर लिखते हैं कि किधर, तो आई इंटू टू आई ऐसे लिख दिए, ये हो गया आई साइन टू थीटा। यहाँ आई जो है एंगल के साथ है, इस एंगल से बाहर कीजिए इसको, जब आप बाहर कीजिएगा तो बाहर करने में टेन आई इंटू हाइपरबोलिक टू आई हो जाएगा, इज इक्वल टू आई साइन, ये हो जाएगा आपका कितना टू थीटा। आई से आई को खत्म कीजिए, ये हो गया टेन हाइपरबोलिक टू आई, इधर साइन टू थीटा है। अगर हम टू आई को निकालते हैं तो टेन हाइपरबोलिक इधर आएगा, तो ये हो गया कितना साइन टू थीटा। अब देखिए दोस्त, टेन हाइपरबोलिक एक्स इसको मानते हैं, तो इसका आपको फॉर्मूला बताया गया है हाफ लॉग वन प्लस एक्स, मतलब वन प्लस साइन टू थीटा बाय वन माइनस साइन टू थीटा, हो गया दोस्त। अब देखिए, जब आप इतना लिख सकते हैं, जब इतना आप इसको जानते होंगे, तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पे वन प्लस साइन टू थीटा को अगर हम लिख दें वन बाय टू लॉग, ये लिख दें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय, नीचे भी वन माइनस है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए दोस्त, इसका होल स्क्वायर होता और इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो अगर हम इस दोनों का होल स्क्वायर हटा के पूरे पे होल स्क्वायर दे दें, तो दोस्त आप यहाँ देखिए लॉग का ये पावर था, उसका भी पावर आ गया, ऐसे समझिए। लॉग जो है किसी का पापा है, उसका बच्चा, उसका बच्चा है, तो एक बच्चा बाहर कर दीजिए इसको, तो कितना वन बाय टू इंटू टू हो गया। अब देखिए ये लॉग हो गया, एक बच्चा को वो साथ में ले जा सकता है, डबल बच्चा आ गया, बच्चा के ऊपर बच्चा, तो बच्चा क्या क्या करेगा, इसीलिए एक बच्चा को बाहर भेज दिया। दूसरा बच्चा बच गया कितना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई नहीं सिर्फ साइन थीटा, नीचे हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया दोस्त। इस टू टू को बोलिए काट जाइए, तुम चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। और देखिए ये कॉस थीटा का मान पहले लिए थे कि थ्री बराबर माने थे आर कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो थ्री बाय आर, और टू बराबर माने थे आर साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा का मान निकालते हैं तो टू बाय आर, उसको मान रख दीजिए यहाँ। जब यहाँ मान रखेगा तो ये हो जाएगा लॉग कॉस थीटा मतलब थ्री बाय आर प्लस टू बाय आर, नीचे हो गया कितना टू बाय आर, थ्री बाय आर माइनस टू बाय आर, होगा दोस्त। अब देखिए अगर इसको आप लिखिएगा तो लॉग एलसीएम लीजिएगा तो आर, आर से आर में भाग दीजिएगा तो वन गुने थ्री प्लस वन टू गुने वन टू हो जाएगा, ये हो गया थ्री माइनस टू, तो ऊपर में कितना थ्री अजोर टू कितना हो गया फाइव बाय वन, तो वन को कहीं लिख दीजिएगा तो फाइव, हो गया दोस्त। लॉग में कितना ई छुपा रहता है। अब देखिए ये आपका किसका मान आया, टू वाई का मान आया है, टू वाई का मान लॉग में फाइव बाय टू आया, तो वाई का मान लिख सकते हैं दोस्त वन बाय टू लॉग फाइव बेस में ई, वन तो ऐसे भी रहेगा। अब देखिए दोस्त, ये y का मान निकाल लिया, x का मान आप पाई बाय फोर निकाले हैं, और इक्वेशन नंबर अब आप देखिए दोस्त, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर b में, आप जो b लास्ट में माने थे, जब b में मान ये दीजिएगा तो b में आपका मान लिया गया था tan इनवर्स cos 2 theta plus i sin 2 theta equal to x plus i y, और x का आप मान निकाले हैं pi by 4 plus i, y का मान निकाले हैं half log 5 बेस में ही इसका मान हुआ था। अब देखिए दोस्त, इस इक्वेशन हुआ, इसका जब हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर x में, x में क्या था दोस्त, x का इक्वेशन है आपका tan इनवर्स 3 प्लस 2i बाय 3 माइनस 2i इज इक्वल टू, ये कितना होगा,
इसको आप प्रूव किए थे या आपको ये बराबर में था कितना, टेन इनवर्स कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा, इसी को तो आप बी माने थे, और बी का आपको इसका वैल्यू कितना आ गया, पाई बाय फोर प्लस आई हाफ लॉग फाइव बेस में ई, जहां भी बेस में ई नहीं होगा दोस्त बेस में ई दे दीजिएगा। तो देखिए दोस्त आपका प्रूफ क्या करने के लिए था, पाई बाय फोर प्लस आई बाय टू लॉग फाइव बाय ई, फाइव ई बेस में ई है, तो ये हो गया प्रूफ दोस्त। अब कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होता है तो कॉन्टेक्ट कॉमेंट कीजिए, और वीडियो पे नंबर है कॉल कीजिए और अपने दिक्कत को दूर कीजिए, और जिस जगह आपको दिक्कत होता है उस जगह कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास जो होगा आपका उस कमेंट के आधार पे लिया जाएगा, और कमेंट के आधार से क्लास जो लिया जाएगा उसमें आपको दिक्कत ना होने का संभावना ही रहेगा, क्योंकि उस दिक्कत को दूर करने का 100% प्रयास किया जाएगा। तो दोस्त इसको लिखते जाइए, आगे बता रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव कीजिए कि टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ये एन पाई प्लस पाई बाय फोर माइनस आई बाय टू लॉग का पावर है टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू। देख लीजिएगा दोस्त ये है, अब आपको प्रूफ करना है, जो देख लीजिए आप पढ़े होंगे कितना, हर एक जगह आप पढ़े होंगे छोटी टेन लिखा जाता है, लेकिन यहाँ बड़ी टेन लिखा गया है। छोटी टेन जो लिखते हैं दोस्त वो प्रिंसिपल वैल्यू में लिखा जाता है और जनरल वैल्यू में भी लिखा जाता है। जब इस बड़ी टेन को छोटी टेन में आप रिप्लेस कीजिएगा तो देखिए दोस्त टेन इनवर्स दिया है कितना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये दिया है। अब देखिए दोस्त जब आप इसको रिप्लेस कीजिएगा छोटी टेन में, ये होगा एन पाई प्लस टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन एक्स, मान लिए दोस्त उस इक्वेशन एक्स में लेट करते हैं इस पार्ट को, जब इस पार्ट को लेट कीजिएगा तो टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देख लीजिए दोस्त इसका जो एंगल है ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, लेट जो कीजिएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में ही लेट कीजिएगा, तो फॉर्मेट में करनी है दोस्त। अब देखिए इधर से टेन को अगर भगा देते हैं तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस आई वाई, जब जिसका काम नहीं रहे तो उसको उस समय हटा देना चाहिए, जब काम रहे तो उसको बुला लेना चाहिए। ये देखिए दोस्त ये कितना इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर आप जानते हैं कि आप माने क्या x प्लस आई वाई, एक्स को मान निकालने के लिए कम दो यहाँ हो गया, एक समीकरण में दो चर हो गया, इसके लिए दो इक्वेशन होना चाहिए। दो इक्वेशन आप कैसे बना सकते हैं, पहला तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका हम कंजुगेट ले तो कोई दिक्कत, तो लिख सकते हैं दोस्त वी टेक कंजुगेट, वी टेक कंजुगेट करें तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस आई वाई, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब देखिए दोस्त ये वन है ये टू है, ये वन है ये टू है, इसमें हमको एक्स का मान निकालना है, यह तो दोनों को जोड़ना आ गया, यह तो दोनों को घटाना होगा, तो किस में घटा दीजिएगा, टेन टेन घटा के एक्स का मान निकालिएगा, नहीं ना। अब देखिए जब टेन टेन का नहीं निकलेगा तो दिमाग लगाइए, बिहारी दिमाग कैसे, तो देखिए दोस्त अगर हम यहाँ से निकालें वी हैव निकालते हैं कि टू एक्स हम निकाल लेते हैं, अब बोलेगा टू एक्स का ही निकालेंगे, हमको जरूरी है एक्स का, तो टू एक्स इसलिए निकालेंगे दोस्त, तो एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसमें क्या है आई वाई एक बार जोड़ा है एक बार घटा दिया है, इसमें भी जोड़ दिए, तो ये कितना गया टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक बार जोड़ दिए, एक्स माइनस आई वाई एक बार घटा दिए। अब बोलिएगा यहाँ टेन टेन है तो यहाँ टेन नहीं है, कैसे मान निकलेगा, तो दोस्त टेन नहीं है तो टेन लगा देते हैं, वी टेक टेन वी
टेक टेन, टेन ला लीजिए ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। देखिए दोस्त, एक बगल टेन नहीं लगाइएगा, नहीं तो घर में दो बच्चा रहेगा, एक को टॉफी दीजिएगा, दूसरा को नहीं दीजिएगा, पता चलेगा एक मुंह लटका के बैठ गया है, इसलिए दोनों को दीजिए। तो कितना टेन टू एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्त, टेन ये कितना एक्स प्लस आई वाई, आई प्लस एक्स माइनस आई वाई, ये हो गया। अब देखिए ये टेन ए हो गया, ए प्लस बी हो गया। टेन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला याद है कि आप पढ़े होंगे क्लास टेंथ या ट्वेल्थ में भी, कि टेन ए ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इतना पढ़े। अब देखिए दोस्त, यहाँ दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इसको इसको जोड़िएगा, ये दोनों खत्म, ये दोनों बचेगा, ये दोनों बचेगा, तो ऊपर में कितना टू कॉस थीटा हो गया, और वन माइनस इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो वन आएगा, तो वन माइनस वन जीरो हो गया, और ये कितना हो ऊपर में आ गया आपका कितना टू कॉस थीटा, नीचे हो गया जीरो, किसी भी संख्या में जीरो से भाग दे दीजिए तो बना देता है जीरो, तो हो गया कितना इन्फिनिटिव। अब देखिए दोस्त, जब ये इन्फिनिटिव हो गया तो टेन टू एक्स है आपका, टेन टू एक्स इक्वल टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मान टेन पाई बाय फोर में, पाई बाय टू में होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, दिस इंप्लाई थीटा इक्वल टू अल्फा, तो एल एक्स का मान कितना हो गया पाई बाय फोर। ये एक्स का मान निकाल लिए हैं, अब क्या चाहिए वाई का मान चाहिए, तो देखिए दोस्त आप वाई का मान लेने के लिए वी है फिर से, अब देखिए यहाँ से y का क्या कीजिएगा, y का दोनों को घटा उठा के तो नहीं निकालिएगा क्योंकि इसके साथ एक और है, ऐसे मानिए आपके आप दो परिवार है तो क्या कीजिएगा, बच्चा को छोड़ के भाग जाइएगा कि बच्चों को लेके जाना होगा, जब बच्चा को लेके जाना होगा तो उसमें दो बच्चा है, दो इक्वेशन है, दो परिवार है, दो बच्चा होगा, तो टू आई वाई हो गया, इसमें एक बच्चा को अलग कीजिए, दो बच्चा अगर एक आदमी लेके जाइएगा तो डबल भरा लगेगा, दोनों को अलग कर दीजिए, दोनों को अलग अलग एक बच्चा दे दीजिए। अब देखिए उसके साथ में बच्चा के साथ में बच्चे का मम्मी है, जब उसका मम्मी है एक में दोनों में मम्मी है, तो दोनों में मम्मी को क्या कीजिए एक में जोड़ दीजिए एक में घटा दीजिए। देखिए दोस्त एक के बच्चा है, एक अति दो बच्चा है लेकिन एक के मम्मी है, तो दोनों को कभी आधा आधा दूर जाने के लिए एक के पास बैठाइए, आधा दूर के लिए दूसरे के पास, देख दोस्त एक बार जोड़ दिए आधा दौड़ चला गया, प्लस एक बार घटा देते हैं, घटा दिए ये हो गया कितना दूसरे के साथ चल गया। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये माइनस होगा। अब देखिए दोनों का जाएगा किसी एक जगह पे जाएगा, दोनों जाएगा, सब बच्चों जाएगा, बाप हो जाएगा, मम्मी हो जाएगा, मतलब सब पूरा परिवार एक के जगह जा रहा है एकदम मस्ती करने के लिए, तो जब मस्ती करेगा तो देखिए यहाँ दोनों जगह मस्ती करने के लिए एक जगह है, तो यहाँ मस्ती कीजिए आप, वी टेक टेन से ऑन बोथ साइड। देखिए दोस्त अब मस्ती कीजिएगा तो दोनों को कराना होगा, टेन टू आई वाई इक्वल टू टेन, ये कितना हो गया एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, इतना होगा। जब इतना आप जान लेते हैं तो यहाँ से देखिए दोस्त ये कितना है टू आई वाई है, इसको आप आई को बाहर कीजिएगा तो लिख सकते हैं आई इंटू टू आई इज इक्वल टू टेन ए माइनस, टेन ए माइनस बी है इसको तोड़िएगा तो टेन ए माइनस टेन बी बाय वन माइनस वन प्लस टेन ए प्लस ए इंटू बी टेन बी, ये हो गया। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन से अगर इसमें आप मान रखिएगा और इसको आप कितना लिख सकते हैं, इस आई को बाहर लाइएगा तो आई टेन हाइपरबोलिक टू आई। अब देखिए यहाँ दोनों का मान दिया हुआ है, दोनों का मान दिया हुआ है, इस दोनों इक्वेशन को जब घटा दीजिएगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये दोनों कट हो जाएगा, जब ये दोनों कट हो जाएगा तो ये दोनों आपका कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो
तो टेन एक्स एक्स प्लस वाई माइनस टेन एक्स माइनस वाई बराबर में कितना, इस दोनों को कटा दीजिएगा तो टू आई साइन थीटा और नीचे हो गया वन। इस दोनों को जब गुना कीजिएगा इस दोनों को, इसका मान वन आएगा और आप कर सकते हैं। तो ये दर कितना हो गया टू आई साइन थीटा बाय टू, टू से टू खत्म हो गया, यहाँ हो गया आई साइन थीटा। अब देखिए दोस्त आई साइन, तो आई से इस आई को भी काट दीजिए, यहाँ टू आई का मान कितना हो गया टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन थीटा हो गया दोस्त, हो गया। तो इतना दूर तक लिखिए, उसके बाद आगे देखिए आप कितना निकालें, टू आई कर टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन थीटा निकालें, निकालें दोस्त। अब देखिए साइन थीटा है यहाँ पे, यहाँ टेन हाइपरबोलिक इनवर्स है, इसका फॉर्मूला बताया हमें हाफ लॉग वन वन प्लस एक्स साइन थीटा बाय वन माइनस एक्स, ये हो गया। अब देखिए दोस्त ये जब आपको बताए होंगे तो यहाँ पे ये साइन थीटा है, साइन थीटा है, अगर आप इसको लिखते हैं वन बाय टू लॉग, इसको अगर हम बना दें कि वन प्लस वन को लिख सकते हैं दोस्त साइन, यहाँ थीटा है तो उस हिसाब से लिखिए कि फॉर्मूला में आ जाए। तो वन को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिखें, साइन स्क्वायर ऐसे डायरेक्ट इसको लिखते हैं, आप पढ़े होंगे फॉर्मूला वन प्लस साइन थीटा है तो साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू, और नीचे हो गया साइन थीटा बाय टू माइनस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, पढ़े हैं दोस्त। इस स्क्वायर को इधर लाइए आगे, तो वन बाय टू इंटू टू लॉग, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, ये प्लस में है तो इसको घुरा के लिख देते हैं, ये कितना हो गया कॉस थीटा बाय टू माइनस प्लस साइन थीटा बाय टू, और ये नीचे कितना हो गया, यहाँ कितना, यहाँ से आप साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए, साइन को नहीं कॉस को कॉमन लीजिए, जब आप कॉस थीटा बाय टू को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ कितना वन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस जगह माइनस को कॉमन लें तो कोई दिक्कत, देखिए दोस्त आप निकाले हैं टू आई इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन थीटा, इतना निकाले, आप फार्मूला क्या जानते हैं इसका टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का, वन बाई टू लॉग वन प्लस साइन थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा, ये जानते हैं। अब देखिए वन प्लस साइन थीटा है और वन माइनस साइन थीटा है, इसको लिख सकते हैं दोस्त वन माइनस वन, इस वन प्लस साइन थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे भी लिख देते हैं कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो फुल पे स्क्वायर दे दीजिए, हो गया स्क्वायर, लॉग का पावर है उसकी का पावर हो गया, पावर को बाहर कर दीजिए वन बाय टू टू लॉग, यहाँ कितना हो गया कॉस थीटा बाय टू, और नीचे से अगर कॉस थीटा बाय टू कॉमन लेते हैं कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू, और उसको ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भेज के दोनों को अलग करेंगे तो कॉस थीटा बाय टू बटे कॉस थीटा बाय टू, और नीचे हो गया कितना वन माइनस साइन थीटा बाय टू होगा दोस्त। अब देखिए ये दोनों को अगर कटा दीजिए तो ये कितना से ये खत्म, तो लॉग हो गया कितना वन प्लस टेन, वन प्लस टेन थीटा बाई टू बाय वन माइनस, यहाँ से अगर कॉमन लिए हैं आप तो यहाँ कुछ था नहीं, जब देखिए अगर टू प्लस थ्री रहता है हम बोलेंगे आपको टू कॉमन लेना है तो वन प्लस थ्री बाई टू होगा, क्योंकि इसको गुणा करने के बाद इतना ही पूर्ण होना चाहिए, पर टू इंटू टू टू इंटू वन टू,
थ्री गुना टू बाय टू, तो टू से टू खत्म, थ्री प्लस टू हो गया। उसी हिसाब से यहाँ भी गुना लिया गया है कि साइन थीटा से जब गुना यहाँ से निकाले हैं, जब निकाल के उसको ऊपर ले गए तो यहाँ कितना कॉस में थीटा से भाग हो गया, तो ये कितना हो गया टेन थीटा बाय टू हो गया दोस्त, ये टेन थीटा बाय टू हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया लॉग, लॉग यहाँ कितना वन प्लस टेन थीटा बाय टू बाय वन माइनस टेन थीटा बाय टू। अब देखिए जब यहाँ इतना है तो इसको हम वन को लिख सकते हैं दोस्त, टेन पाई बाय फोर प्लस टेन थीटा बाय टू, और नीचे हो गया वन माइनस टेन पाई बाय फोर, नहीं कुछ तो वन से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत, टेन थीटा बाय टू ये हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया दोस्त देख लीजिए, ये हो गया आपका कितना लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू हो गया दोस्त, टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू। जब ये हो गया तो इधर कितना टू वाई का मान निकाले आप, तो वाई का मान कितना हो जाएगा हाफ लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू। एक्स का भी मान निकाले हैं, वाई का भी मान निकालनी है, जब हम पुट करें पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन, इस इक्वेशन को कुछ माने नहीं है, मान लीजिए बी है, इन बी जब बी माने हैं तो कितना हो गया टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स का मान पाई बाय फोर था प्लस हाफ, कितना हो गया हाफ लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू, ये था दोस्त। अब देखिए इस इक्वेशन का मान अगर एक्स में पुट करें तो कितना हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन नंबर एक्स में, जब एक्स में पुट कीजिएगा तो बड़ी टेन इनवर्स दिया था कितना कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस कितना, इसका मान कितना है टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका मान आप कितना निकाले हैं कितना, तो इसको लिख सकते हैं एन पाई प्लस कितना हो गया पाई बाय फोर प्लस हाफ हाफ, और कुछ है देख लीजिए, जैसे यहाँ बी बी में एक्स वाई का वैल्यू पुट किए हैं, तो एक्स वाई का जब वैल्यू पुट किए हैं तो आई इंटू वाई है, तो यहाँ कितना आई हो गया, यहाँ भी आई, तो ये हो गया कितना आई, इसमें ना है आई बाय टू इंटू लॉग, ये हो गया आपका कितना टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू। देखिए दोस्त यही प्रूफ करने के लिए था, बाय मिस्टेक से आपको यहाँ प्लस लिखा गया है इसलिए वो माइनस लिखा गया था, वो प्लस ही होगा। अब देखिए दोस्त ये आपका चैप्टर आज खत्म होता है, और लास्ट एक क्लास और लिया जाएगा जिस क्लास में आपको टोटल फार्मूला ही बताया जाएगा कि ये फार्मूला होता है, एक तरफ से उस फार्मूले को लिखा दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा, जिससे कि आप कॉपी खोलें तो वो फार्मूला आपके पहला पेज पे होना चाहिए, जिससे कि आपको याद रहेगा और आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस पूरे चैप्टर में अगर कहीं कुछ दिक्कत होता है तो आप खुल के कमेंट कर सकते हैं, और आपका कोई भी दिक्कत 100% प्रयास करेंगे आपका दूर करने के लिए, और जहां भी दिक्कत होगा कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसी आधार पे अगला क्लास लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।